बिसम जी बच्चों नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है तमीर सीरत ठीक है तो इसका पेज नंबर सेवन आप लोग निकाल लें इसका कल मैंने आपको एक वाक्य जो है वो ज़ुबानी याद करवाया था आज के वाक्य की जो है हमने जस्ट रीडिंग करनी है इसको ज़बानी याद नहीं करना वैसे इसको जहन में रख लेना है लेकिन जो है ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप भी अच्छे से इसकी जो है रीडिंग कर लेना रीडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कि दौड़ने का मुकाबला भी एक सेहतमंद तफ्री है ठीक है जिसकी ज़रूरत जिहाद के मैदान में भी पड़ती है जिहाद का मैदान कौन सा होता है यानी कि जिहाद कहते हैं अल्लाह की राह में लड़ने को ठीक है जब अल्लाह की राह में लड़ा जा रहा होता है तो जिस जगह पर वो लड़ा जा रहा होता है वो होता है जिहाद का मैदान ठीक है वहाँ भी दौड़ने की जो है ज़रूरत पड़ सकती है और ये जिसमानी वर्जिश भी है इसका सेहत और कुत पर अच्छा असर पड़ता है ठीक है इससे क्या होता है भागने से सेहत अच्छी रहती है हज़रत सलमा बिन अकुआ एक नौजवान साहब भी थे और उनकी दौड़ जरबुल मिसल थी जरबुल मिसल यानी कि मिसाल थी बहुत बड़ी ठीक है लोग जो है उसकी उनकी दौड़ की जो है मिसाल दिया करते थे कि वो बहुत अच्छा दौड़ते हैं तेज रफ्तार घोड़े से भी उनकी दौड़ ज्यादा थी ठीक है उनकी दौड़ जो है वो तेज रफ्तार घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे एक मरतबा बनू फजारा कबीले के लुटेरों ने के लुटेरों के ग्रोह ने मदीना मुनवरा से चार पांच मील दूर गाबा नाम की एक जगह से रसूल अलैहि वसल्लम के कुछ ऊंट लूट लो, लिए एक मतबा जो है ना बनु फजारा ये एक कबीला था वहां से एक लुटेरे लुटेरे हैं जो मार लूट लेते हैं आपका ठीक है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मदीना मुनवरा से ना चार पांच दूर काबा नाम की एक जगह थी वहां से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऊँट जो है वो चुरा लिए ठीक है चुराने वाले को कत्ल कर दिया चुराने वाले नहीं सॉरी चराने वाले को कतल कर दिया यानी कि जो उन ऊँटों को लेकर चराने के लिए घास वगैरह या खाना वगैरह खिलाने के लिए लेके गया था उन्होंने क्या किया उसको कत्ल कर दिया और ऊँट जो है लेकर चल पड़े ठीक है ये लुटेरे घो गो, घोड़ो पर सवार थे और हथियार लगाए हुए थे यानी कि उनके पास हथियार थे असला था और साथ में क्या है वो घोड़े के ऊपर थे हजरत सलमा बिन अकुआ तीर कमान लिए हुए पैदल गाबा की तरफ जा रहे थे ठीक है अब आप जो है आपके पास तीर कमान थे तीर उस दौर में लड़ाई जो है ना वो तीरों वगैरह से की जाती थी बर्छियां होती थी इस तरह जो है और तीर होते थे उनसे लड़ा जाता था आजकल तो हम लोग बंदूकें हैं पिस्तौल है उस वक्त ये चीज होते थे ठीक है नेजे हो गए ये सब सब कुछ तो जो है वो हजरत सलमा बिन अकुआ जी तला जो है वो पैदल जा रहे थे गाबा की तरफ उसी जगह पर जहाँ से वो लूटे गए थे ऊँट उनकी निगाह इन डाकुओं पर पड़ी अब उन्होंने उन डाकुओं को देख लिया उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़कर मदीना की जानव मुह करके डाका पड़ने का ऐलान किया अब एक पहाड़ी पर आप चढ़ गए और आपने ऐलान किया कि यहाँ पर जो है माल लूट लिया गया है ऊंट जो है वो लूट लिए गए हैं ठीक है और खुद अकेले तीर कमान संभाल कर उनके पीछे दौड़ लगा दी उनके पास तीर थे ना तो वो लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े और उनके पास पहुंचकर तीरंदाजी शुरू कर दी तीर चलाना शुरू कर दिया तीर अंदाजी तीर चलाना और इतनी फुर्ती के साथ मुसलसल तीर मारते रहे कि लुटेरों ने समझा कि कोई बहुत बड़ी जमात हमारा पीछा कर रही है देखें वो एक थे लेकिन वो इतनी तेजी से इतनी फुर्ती से और इतनी तेजी से वो तीर उन उनपे मार रहे थे कि वो समझे कि शायद पता नहीं कितने ही लोग जो है कितनी लोगों की जो जमात है वो हमारे पीछे है वो हमें मार रही है ठीक है चिनाची वो भाग्य और लुटे हुए सारे ऊँट हजरत सलमा बिन रजी अल्लाह रजिया ने छुड़ा लिए ठीक है यानी कि उन्होंने क्या किया कि वो खुद भाग गए और सारे ऊँट जो है वो छोड़ हजरत सलमा